फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। विधायक दल में टूट के डर से कांग्रेस अपने एमएलए को बाहर भेजने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर पैनी नजर रख रही है। इन विधायकों को बेंगलुरु या हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है। इधर शनिवार की शाम को कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई थी, इसलिए कांग्रेसी विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। कहा जा रहा है कि विधायकों को दिल्ली इसलिए बुलाया ही गया था कि बिहार में हो रहे संभावित खेल से उनको बचाकर रखा जाए। बताया जा रहा है कि विधायकों को बिहार विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने पर ही बुलाया जाएगा। 12 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन एनडीए की सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने विधायकों को शिफ्ट करने की बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो तो दिल्ली के बिहार निवासी हैं। उन्होंने कहा कि वो तो दिल्ली के बिहार निवास में ही हैं। वहीं दल बदल कानून से बचने के लिए कांग्रेस के 19 में से 13 विधायकों को किसी भी हाल में तोड़ना होगा। हालांकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 12 विधायक खांटी कांग्रेस ही हैं। इनमें से 7 विधायक ही ऐसे हैं जिनका दल बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देने के साथ ही मंत्री पद का लालच भी कांग्रेसी विधायकों को दे सकता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि खेला तो बिहार में अब शुरू होगा। वहीं एनडीए के सहयोगी हम पार्टी के सुप्रीमो जीतनराम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर चुके हैं, इसीलिए एनडीए की नजर महागठबंधन के विधायकों पर बनी हुई है। दल बदल कानून से बचने के लिए कांग्रेस के 19 में से 13 विधायकों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तभी टूट सकती है जब सभी टूटने वाले विधायकों को मंत्री पद दिया जाए या फिर उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट देने का भरोसा दिया जाए। लेकिन एनडीए के लिए ऐसा ऑफर देना आसान नहीं होगा, क्योंकि एनडीए अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटने के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं सभी बागी विधायकों को मंत्री बनाना भी एनडीए के लिए संभव नहीं है। ऐसे में बीजेपी के भीतर ही विरोध की आवाज उठने लगेगी, इसलिए फिलहाल कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने का काम जरा मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।